नमस्कार, मैं दिव्या धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE अब छात्रों को सभी भारतीय भाषाओं में शिक्षा ग्रहण करने का विकल्प उपलब्ध कराएगा। नई शिक्षा नीति के बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड की ओर से संबंध विद्यालयों को सर्कुलर जारी कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE के इस कदम की सराहना करते हुए बधाई दी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को राज्यसभा को बताया कि सिग्नलिंग सर्किट परिवर्तन में चूक के कारण गलत सिग्नल दिया गया और इसी वजह से 2 जून को ओडिशा के बालासोर जिले में दुखद ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना हुई। इस हादसे में 295 लोगों की जान चली गई थी। अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में कहा है कि रेलवे में पिछले 5 साल में सिग्नल फेल होने के 13 मामले सामने आए हैं, लेकिन इंटरलॉकिंग सिग्नल प्रणाली में खराबी के कारण कोई घटना नहीं हुई है। रेल मंत्री वैष्णव ने 2 जून को उड़ीसा के बालासोर में हुई रेल दुर्घटना को लेकर विभिन्न सदस्यों के सवालों के लिखित जवाब में यह जानकारी दी है। रूस काला सागर अनाज समझौते से पीछे हट गया। रूस के इस फैसले का असर पूरी दुनिया में देखने को मिल सकता है। बता दें कि एशिया में ज्यादातर गरीब देश अपने जरूरत का अनाज यूक्रेन से आयात करते हैं। इसी को लेकर अब संयुक्त राष्ट्र के सहायता प्रमुख ने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा है कि इससे अनाज की कीमतों में बढ़ोतरी होगी और संभावित रूप से लाखों लोगों के लिए भुखमरी पैदा कर सकती है। इससे बदतर स्थिति का खतरा पैदा हो सकता है। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं। इसका फायदा दुनिया की कई कंपनियां उठाना चाहती हैं, जिसमें से चीन की भी एक कंपनी शामिल है। ये कंपनी भारत में एक कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहती थी और इसके लिए उसने करीब 8,200 करोड़ रुपए के निवेश का प्लान भी बनाया था, लेकिन चीन से तनाव वाले माहौल के बीच भारत सरकार ने कंपनी को इसकी मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। हाल ही में भारत के गुजरात स्टेट के सूरत शहर में दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बनकर तैयार हुई है। इस बिल्डिंग को डायमंड बिजनेस सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। उसका उद्घाटन नवंबर में PM नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। इसी बिल्डिंग के हवाले से पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी ने पाक के आवाम से प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। इस पर पाकिस्तानी आवाम ने कहा है कि भारतीय आज के दौर में बहुत आगे जा रहे हैं, क्योंकि उनको खुद पर ज़्यादा भरोसा है। भारतीय रेलवे से हर दिन लाखों लोग सफर करते हैं। ऐसे में ट्रेन से जुड़े हर बदलाव का आम आदमी पर बड़ा असर पड़ता है। इस बीच सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अगर कोई पैसेंजर ट्रेन छूटने के 10 मिनट के अंदर अपनी सीट पर नहीं पहुंचता है तो उसकी टिकट रद्द हो सकती है। हालांकि जब रेलवे अधिकारियों से इस आदेश की बात की तो पता चला कि रेलवे की तरफ से इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया गया। आमतौर पर किसी पैसेंजर के बोर्डिंग स्टेशन से अगले 2 स्टेशन तक चेकिंग स्टाफ उसकी सीट किसी को अलॉट नहीं करते हैं। जी न्यूज़ के हवाले से रेलवे के मुताबिक मौजूदा नियमों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिल्मों और किताबों के प्रति लोगों की सहनशीलता कम होती जा रही है। अब हर कोई हर चीज़ पर संवेदनशील है। शीर्ष अदालत ने इस टिप्पणी के साथ फिल्म आदि पुरुष के निर्माताओं के खिलाफ विभिन्न हाईकोर्ट के आदेशों और कार्यवाही पर रोक लगा दी। अदालत ने जनहित याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड को इस फिल्म का सर्टिफिकेट रद्द करने की मांग की गई थी। शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि अदालतों को सेंसर बोर्ड की ओर से दिए गए प्रमाण पत्रों पर अपील करने का मंच नहीं बनना चाहिए। भारत की UPI तकनीक का पड़ोसी देश श्रीलंका में भी स्वीकार की जाएगी। शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की उपस्थिति में भारत और श्रीलंका के बीच द्वीप देश में UPI की स्वीकृति सहित कई समझौते का आदान प्रदान किया गया है। भारत में खुदरा डिजिटल भुगतान के लिए UPI भुगतान प्रणाली बेहद लोकप्रिय हो गई है और इसका चलन तेजी से बढ़ रहा है। अब तक फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात और सिंगापुर ने उभरते फिनटेक और भुगतान समाधानों पर भारत के साथ साझेदारी की है। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत कल यानी गुरुवार से हो गई है। सत्र के पहले दिन संसद की परंपरा के अनुसार उन तमाम सांसदों को श्रद्धांजलि दी गई जो अब इस दुनिया में नहीं है। संसदीय कार्य प्रणाली के तहत इन सभी सांसदों को श्रद्धांजलि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दी है। जिन सांसदों को श्रद्धांजलि दी गई उनमें 2 मौजूदा और 11 पूर्व सांसदों के नाम हैं। इनमें एक नाम गैंगस्टर अतीक अहमद का भी था। उस पर कई और गंभीर आरोपों में मुकदमे चल रहे हैं। सांसदों को श्रद्धांजलि देने की यह परंपरा शुरू से चली आ रही है। इसमें सांसदों के पद का सम्मान करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देना संसद का प्रोटोकॉल है। संसद में किसी भी सत्र के शुरू होने से पहले हाल ही में गुजरे सभी सांसदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। भारत छोड़ विदेशों में बसने वालों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। ये बात विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मानसून सत्र के दौरान संसद में कही है। शुक्रवार को विदेश मंत्री ने संसद को जानकारी दी है कि इस साल यानी 2023 में ही जून के महीने तक 87,026 भारतीय अपनी नागरिकता छोड़ चुके हैं और विदेशों में जाकर बस गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विपक्ष पर तीखा हमला किया है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली पिछली सरकार पर उन्होंने फोन बैंकिंग घोटाला करने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा है कि इसका फायदा कुछ लोगों को हुआ है, लेकिन इसने देश के बैंकिंग सेक्टर की कमर तोड़ कर रख दी है। वहीं बैंकों में से बांटा गया लोन कभी वापस नहीं आया, जो अर्थव्यवस्था के लिए घातक बना।
मुंबई के मलाड इलाके में रहने वाले एक व्यापारी ने पुलिस को शिकायत की है कि उसने उससे लॉरेंस बिश्नोई गैंग उगाही कर रहा है। व्यापारी ने बताया है कि उसको बीते दिन एक धमकी भरा कॉल रिसीव हुआ। सूत्रों ने बताया कि शिकायतकर्ता व्यापारी को 20 जुलाई के दिन शाम को एक प्राइवेट नंबर से कॉल आया और कॉलर ने खुद को बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया। कॉलर ने इसके बाद व्यापारी से 20 लाख रुपए की मांग की और कहा कि उसके गैंग के लोग जेल में हैं और उनको छुड़वाने के लिए उसे पैसे चाहिए। पुलिस सूत्रों ने बताया कि व्यापारी के शिकायत के आधार पर अज्ञात शख्स के खिलाफ आईपीसी की धारा 385 के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। साल 2018 के बाद से हाई कोर्टों में नियुक्त 75% से ज्यादा जज ऊंची जातियों से, ओबीसी के जजों की संख्या 12% से कम है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शुक्रवार को लोकसभा में ये जानकारी दी है। इस बारे में AIMIM प्रमुख और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया था। उन्होंने पूछा था कि क्या यह सच है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान सभी हाईकोर्टों में नियुक्त 79% न्यायाधीश ऊंची जातियों से है। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल करीम अक्षर धाम मंदिर दिल्ली और पहुंचे और मंदिर परिसर का भ्रमण किया। उन्होंने काफी समय मंदिर परिसर में बिताया और BAPS के संतों से मंदिर के संबंध में जानकारी ली। BAPS के संत ने डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल करीम को मंदिर की विशेषताएं बताई। उन्होंने काफी समय मंदिर परिसर में बिताया। पश्चिम बंगाल में 2 महिलाओं को वस्त्रहीन करने के मामले में केंद्रीय मंत्री स्मृति ने गंभीर सवाल उठाए। स्मृति ईरानी ने कहा कि राज्य में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर दिया जाता है, लेकिन सत्तारूढ़ TMC सरकार ने कोई बयान नहीं दिया और ना ही कांग्रेस ने कोई सवाल उठाया। ईरानी ने कहा कि सरकार मणिपुर मामले पर संसद में चर्चा चाह रही थी, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि विपक्ष ने इनकार कर दिया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर साइन निज के लिए व्यापक दिशा निर्देश की एक सूची जारी की है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री नितिन गडकरी ने नए दिशा निर्देशों को मंजूरी दे दी है। अब ड्राइवरों के लिए विजिबिलिटी और सहज मार्गदर्शन में सुधार के लिए सबसे अच्छे प्रथाओं और विश्व मानकों को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। टैक्स पेयर के लिए आकलन वर्ष 2023-24 के लिए ITR फाइल अनिवार्य और अब तक 3 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न पहले ही दाखिल किए जा चुके हैं। सभी टैक्स पेयर को अब ITR फाइल करने के लिए 2 हफ्ते से भी कम का समय बचा है। ITR पिछले वित्तीय वर्ष के लिए आपकी कर देनदारी का अंतिम आकलन है। साल के दौरान आय से कई तरह की कटौतियां होती हैं जो अंतिम ITR में समायोजित हो जाती है। विभिन्न स्रोत पर कटौती है। आपको बता दें कि नगद निकासी पर भी TDS लगता है। केंद्र ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी राज्य के वक्फ बोर्ड को मुसलमानों में अहमदिया संप्रदाय के लोगों को काफिर और गैर मुस्लिम कहने का अधिकार नहीं है। साथ ही उनकी मस्जिदों को गैर वक्फ संपत्ति घोषित नहीं कर सकते हैं। देवबंदी मौलवियों के संगठन जमायतुल उलेमा द्वारा जारी फतवे के आधार पर आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव के खिलाफ अहमदिया मुसलमानों के विरोध प्रदर्शन के बाद शुक्रवार को केंद्र सरकार का बयान सामने आया। इस प्रस्ताव में उन्हें गैर मुस्लिम करार दिया गया था। केदारनाथ मंदिर में गर्भगृह से प्रसिद्ध राम कथा वाचक मुरारी बापू की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या केदारनाथ मंदिर में वीडियो और फोटो लेने पर रोक के बाद क्या मुरारी बापू के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस नेताओं के साथ विभिन्न लोग इस तस्वीर को लेकर अलग अलग सवाल उठा रहे हैं। कोई इसे प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाना बता रहा है तो कोई आम श्रद्धालुओं की भावनाओं पर प्रहार बता रहा है। केदारनाथ मंदिर से बीते दिनों बहुत सारी वीडियोस और रील्स वायरल होने के बाद मंदिर समिति की तरफ से यहां फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। भारत ने पनडुब्बी और एक खास जहाज के उपयोग से हिंद महासागर में खनिज भंडार के खोज की योजना बनाई है। भविष्य में बड़ी संभावनाओं वाले समुद्री मिशन के तहत भारत के प्रमुख समुद्री अध्ययन संस्था ने समुद्री सर्वेक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय टेंडर जारी किया है। जिस कंपनी को टेंडर मिलेगा वो समुद्र की सतह के पास विशाल सल्फाइड भंडार वाले इलाकों की खोज के लिए सर्वे करेगी। न्यूज वेबसाइट News18 के मुताबिक ठेका आवंटित कर देने के बाद दिसंबर महीने से सर्वे का काम शुरू हो सकता है। इससे भारतीय शोधकर्ताओं को समुद्री इलाके के विभिन्न भौगोलिक और भूवैज्ञानिक विशेषताओं के आधार पर विशेष मानचित्र बनाने में मदद मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बीच बीती रात से ही भारी बारिश हो रही है। इससे जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं। नदी नाले उफान पर हैं। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए। रोहडू में 3 लोग फ्लड में लापता हो गए। वही कोटखाई में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शनिवार को BJP हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राजस्थान के CM अशोक गहलोत पर पलटवार कर उनसे इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार को महिला में भेद नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्या राजस्थान में अपराध के लिए अशोक गहलोत जी अपने पद से इस्तीफा देंगे। महिलाओं के खिलाफ अपराध में राजस्थान नंबर 1 राज्य बन गया है। तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे JKLF प्रमुख यासीन मलिक मामले में जेल प्रशासन ने एक्शन लिया है। जेल प्रशासन की तरफ से सुरक्षा में चूक मामले में 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड किए गए अधिकारियों में 1 डिप्टी सुपरिटेंडेंट, 2 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और 1 अन्य अधिकारी शामिल हैं।
हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अनवर करीम खान, जितेंद्र ठाकुर, मोहम्मद साकिर हुसैन, संदीप सिंह, सानू कुमार, रिची कुमारी, अर्जुन राम, नौसाद अंसारी। बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, महिलाओं के खिलाफ हो रहे हिंसा को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने चाहिए। अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।